मंडी जिला में विधानसभा चुनावों के लिए दाखिल किए गए 5 नामांकन रद्द हो गए हैं। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी मदन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव आयोग द्वारा तय मापदंडों को पूरा न करने के कारण ये नामांकन रद्द हुए हैं। उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि मंडी में कुल 68 उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किए थे। 5 नामांकन पत्र रद्द होने के बाद अब 63 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। हालांकि नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन 63 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। विधानसभा चुनाव 2017 के लिए विधानसभा क्षेत्रों में दाखिल किए गए नामांकन की जांच के दौरान सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, नाचन और बल से 2 नामांकन रद्द किए गए। उन्होंने बताया कि 63 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं और उनको ये गुजारिश की है कि क्योंकि ये इलेक्शन का बहुत गंभीर मसला है तो सभी कर्मचारी जो है जिनकी भी ड्यूटी लगी है वो इसको गंभीरता से लें और अपने अपने कार्य को अच्छी तरह से समझें। इसके अलावा अभी सेकेंड रिहर्सल जो है हमारी 2 तारीख को रखी गई है, जिसमें मैं सभी एम्प्लॉयज से पूरे जिला में अनुरोध करता हूं कि वे अब अपने गंतव्य पे जाके जो है वो इस प्रक्रिया में भाग लें। इसके अलावा फर्स्ट रैंडमाइजेशन जो है हमारी ईवीएम्स की वीवीपैट की हो रखी है और सेकेंड रैंडमाइजेशन जो है हम मोस्ट लाइकली 28 तारीख को ही इसकी करेंगे और जिसमें हमारे 4 जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर हमारे जिला में आ रखे हैं जो अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आजकल पोलिंग स्टेशन का जायका ले रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में जो पोलिंग स्टाफ है, बीएलओज हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं इसके अलावा जो है हम स्वीप की एक्टिविटीज भी अलग अलग जगह कर रहे हैं, जिसने 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष पूरी कर ली है। सादर अनुरोध करता हूं कि वे 9 तारीख को अपना मतदान का प्रयोग अवश्य करें और अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुने ताकि आपकी पसंद की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बने। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए हमने व्हील चेयर का बंदोबस्त किया हुआ है, उनका अरेंजमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है जहां जहां पे इसको देने की। ये हमारे यहाँ टोटल जो है 5 नामांकन रद्द किए गए हैं, जिसमें सुंदरनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 नामांकन रद्द हुआ है, नाचन से 1, जोगिंदरनगर में 1 और बल से 2 नामांकन जो है वो रद्द किए गए हैं। सो टोटल इस वक्त जो है वो 63 कंटेस्टेंट मैदान में है। बाकी एग्जैक्ट नंबर जो है आज शाम को 3 बजे जब विड्रॉल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई कितने जो है वो कंटेस्टेंट्स जो है मैदान में है। जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी मदन चौहान ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया गया था ताकि चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से करवाया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 नवंबर को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी कि कहां चुनावों में ईवीएम वीवीपैट मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को मताधिकार के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जो व्यक्ति 1 नवंबर को 18 वर्ष का हो जाएगा वे मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। ईवीएम हमने हरेक विधानसभा क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट रैंडमाइजेशन जो है ईवीएम की हो गई है, फर्स्ट रैंडमाइजेशन से कंप्यूटर अपने आप बताता है कि किस नंबर की मशीन जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र में जानी है। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर ने वो नंबर निकाला है उस प्रकार से हमने ईवीएम और वीवीपैट जो है वो सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों में डाल दी है। सेकेंड रैंडमाइजेशन जब हम करेंगे तो उसमें जो है कंप्यूटर ये बता देगा कि किस नंबर की मशीन किस पोलिंग स्टेशन पे जानी है। तो वो कार्रवाई जैसे मैंने आपसे कहा कि 28 तारीख को सेकेंड रैंडमाइजेशन होगी, मशीनें फिर वो पोलिंग स्टेशन वाइज जो है वो तैयार हो जाएंगी। क्योंकि इस बार जो पोलिंग है उसमें वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। वीवीपैट का मतलब है कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जब आप बैलेट यूनिट पे अपना वोट डालेंगे तो उसके साथ ही ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें जिस कैंडिडेट के नाम के आगे आपने जो है वो बटन दबाया है उस कैंडिडेट का उसमें बैलेट यूनिट के ऊपर जो उसका सीरियल नंबर है, जैसे आपने सीरियल नंबर 3 का बटन दबाया तो उस पे सीरियल नंबर 3 आ जाएगा वीवीपैट मशीन के स्लॉट के ऊपर और उस कैंडिडेट का नाम और उसका चुनाव चिन्ह जो है उस पे वो नजर आएगा।